हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नया एप्लीकेशन लेटर की ज्यादा से ज्यादा कहाँ यूजफुल होता है और कैसे कहाँ ज्यादा राइट करा जाता है। जैसे आज हम देखेंगे रेलवे कंसेशन पास। सो हेलो दोस्तों, माय चैनल नेम इज लर्न समथिंग न्यू चैनल और रेलवे कंसेशन पास पर हम लेटर कैसे लिखेंगे आज हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे टू। अब आप जिसको लिखेंगे तो रेस्पेक्ट तो करेंगे ही, तो फर्स्ट रेस्पेक्टेड का नाम लिखेंगे। जैसे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का तो आप नाम मेंशन नहीं करते हो क्योंकि बिकॉज वो प्रिंसिपल होते हैं, तो उनका नाम लिखते हैं द प्रिंसिपल। अब आप स्कूल का नाम मेंशन करते हो, जैसे आप जो स्कूल में हो, जैसे गुरु नानक कॉलेज, खालसा कॉलेज, जो आपका कॉलेज नाम है आप वो नाम कॉलेज मेंशन करोगे। देन आप अपना कॉलेज का एड्रेस मेंशन करोगे, जो आपके कॉलेज का एड्रेस है। फिर बाद में आप सब्जेक्ट लिखोगे। अब सब्जेक्ट आप किस पर लिखते हो, जैसे रेलवे कंसेशन पास। अब रेलवे कंसेशन पास चाहिए तो हमें उसी पर एप्लीकेशन राइट करना है। देन आप लिख रहे हो, आप जिसको दे रहे हो, रेस्पेक्टेड सर को दे रहे हो या रेस्पेक्टेड मैम को दे रहे हो। अब उसमें लिखना क्या है, लेट्स सी। जैसे हम लिखेंगे फर्स्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द कैप्टन ऑफ योर स्कूल फुटबॉल टीम और टीम इज गोइंग टू प्ले द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट एट अजमेर ऑन 30-20 नवंबर 2020। काइंडली इशू अस अ रेलवे कंसेशन पास फॉर अवर जर्नी। अब जिसके लिए आपको चाहिए था आप वो मेंशन कर दिए। देन आप लास्ट में लिखोगे थैंकिंग यू। देन आप जो डेट को दे रहे हो आप वो डेट मेंशन कर दीजिए। फिर बाद में लास्ट में लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। देन आप अपना नाम और सिग्नेचर लिखोगे। अब आप स्टैंडर्ड 12th में तो पढ़ रहे हो, फिर बाद में आप ये लिखेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है और आपकी क्लास क्या है। जैसे आप 12th में नहीं हो, ग्रेजुएशन में हो, वो ग्रेजुएशन का क्लास लिखिए। आप जो भी क्लास में हो वो क्लास मेंशन करिए। सो होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट ऑफ रेलवे कंसेशन पास। आपको अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और घंटी पर बटन दबाइए। और आपको अगर कोई भी डाउटफुल हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना के आपको इजिली अंडरस्टैंड करवा सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा और शेयर करिए।